आजकल दुनिया जो है ना वो डेवलपमेंट हो गया, अभी डेवलपमेंट देखने नहीं चाहता है, लोग आते हैं ओरिजिनल को देखने के लिए। दिस इज अवर ओरिजिनल, अपना ओरिजिन को मेंटेन, ओरिजिनल जो आइटम है, ओरिजिनल चीज है उसको मेंटेन करना है। नमस्ते वांचोनी, नमस्ते अरुणाचल, मैं जोहुंग वंशु, आप देख रहे हैं नेपाल लाइव न्यूज। मैं इस वक्त पहुंचा हूं WCS कॉम्प्लेक्स, वांचो कल्चरल सोसाइटी का कॉम्प्लेक्स में। वांचो कल्चरल सोसाइटी ने एक प्रोग्राम रखा है यहाँ पे, तो उसी को कवरेज करने आया है, तो चलिए हम सब देख के देखते हैं। लॉकडाउन जो है हम उसको वांचो में खम बोलते हैं। हमारा वांचो कल्चर सोसाइटी जो है 1985 में फॉर्म होने के बाद में आज पहला दिन ऐसा है जहाँ में हम अपना कल्चर को प्रमोट करने के लिए, अपना कल्चर का प्रोटेक्शन के लिए, और हमारा जो पूर्व से जो चलते आ रहा है ये पास सिस्टम का और खम का जो ट्रेडिशन है इसको और आगे लेके जाने के लिए आज पहला दिन है बहुत सालों के बाद कि हम आज WCS जो है खम को प्रोक्योर किया है, और आज खम्पाई का दिन है। खम्पाई इन द सेंस खम को कैरी करके अपना पा में लाना। तो हमारा वांचो समाज में जो WCS ने अपना एक ऑफिस बनाया है, एक पा बनाया है, एक हमारा अक्षम हम है, तो वहाँ में हमने एक पा का इंस्टॉल, हमारा खम का इंस्टॉल करने के लिए आज सब जगह जमा हुआ है। तो बहुत खुश है कि इतना सालों के बाद 1985 के बाद आज ही मैंने कहा ऐसा अवसर मिल रहा है जहाँ में हमको खम जो है रखने मिल रहा है। और खम का जो है बहुत इम्पोर्टेंट है हमारा वांचो समाज में। खम जो है हम इंग्लिश में लॉकडम कहता है, लेकिन ये खम का जो असल जो मीनिंग अगर जाता है तो ये मल्टीपर्पज़ है। ये इसमें इससे हम जो है अपना अनाउंसमेंट जो है गाँव को अनाउंसमेंट देता है। कभी मान लीजिए हम विक्टोरी हो गया, हमने कुछ में हासिल किया है, गाँव वाला लोग जो उस समय में हम बजाता है। उसके बाद जब मरता है कोई अपना पाग मेंबर तब भी हम जी इससे मैंने मैसेज भेजता है। कुछ इमरजेंसी होने से भी हम जो इस खम को मैंने बीटिंग करके ही हमने इमरजेंसी जो है साउंड जो है देता है, मैसेज देता है। तो हर एक आदमी को एक नॉलेज होता है कि खम जब ऐसे बजने से ये चीज़ है, ऐसे बजने से वो है। तो इसी चीज़ से मैंने हम जो अपना एक गाँव का जो है मैसेज को पास ऑन करता है। तो आज बहुत इंपॉर्टेंट दिन है हमें हमारे WCS के लिए कि हमने एक पा को हमारा पा में एक खम को हम इंस्टॉल करने जा रहा है। तो आजकल के ज़माने में बहुत बड़ा पेड़ तो नहीं है, लेकिन भी जितना अवेलेबल है उसी पेड़ में से हमने एक खम को प्रोक्योर किया है। ज़माना जो बदल गया, पहले का खम जो बहुत बड़ा होता था, अभी पेड़ ही छोटा है, इसलिए हम जो है खम जो छोटा है, लेकिन भी कहा जाए तो वर्ल्ड में जो है वन ऑफ द बिगेस्ट और लार्जेस्ट मैंने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। ये जो एक होल एक ट्री से, ट्री का एक पूरा होल ट्रंक से बनाता है। तो ये उम्मीद करता है कि हम आने वाले दिनों में ये खम जो है ये एक एग्जाम्पल रहेगा, और बाद में जो है अच्छा खम को प्रोक्योर करके हमारा वांचो कल्चर को, हमारा वांचो का जो ट्रेडिशन को हम मैंने बरकरार रखेगा, ये उम्मीद करता है। Hey! 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 H
का वाणी है तो आज का इस प्रोग्राम में अटेंड करके आपको कैसा लगा? बहुत बढ़िया लगा है। हम तो चाहता हूँ कि हम लोग एक अरुणाचल के जो ट्राइब है अपना अपना कल्चर ट्रेडिशन को पूरा मेंटेन करना है, क्योंकि यही हमारा आइडेंटिटी है और यही हमारा अट्रैक्शन है। आजकल दुनिया जो है ना बहुत डेवलपमेंट हो गया, अभी डेवलपमेंट देखने नहीं चाहता है, लोग आते हैं ओरिजिनल को देखने के लिए। दिस इज आवर ओरिजिनल, तो अपना ओरिजिन को मेंटेन, ओरिजिनल जो आइटम है, ओरिजिनल चीज है, उसको मेंटेन करना है। ओ थैंक यू, आप सब ने मुझे इन्वाइट किया इसको देखने के लिए। देखो लोग ड्रम, हमारे जो ट्रेडिशनल ड्रम है उसको लेके आ रहे हैं। ये तो थोड़ा सा बहुत बड़ा साइज होता है आप लोग का, तो जो हाथी नहीं तान सकता है हमारे ट्राइबल लोग तानते हैं ग्रुप में, मतलब स्ट्रेंथ यूनिटी पूरा एक साथ में। ओके, यहाँ फॉरेनर लोग आके पूछता है, बोला ना ये कितना हाथी लगाया इसको तानने में, एक भी हाथी नहीं लगाया, बोला किससे ताना, बोला हमारा ट्राइबल लोग ने ताना है, बोलता है बोला ये तो हमारा जय हिंद जय अरुणाचल और हमारा ट्राइबल्स के लिए जय हो। पंचो कल्चर सोसाइटी एक खम का मैंने प्रोक्योरमेंट किया है, खम का इंस्टॉलमेंट होगा। ट्रेडिशनली जो ये खम का बहुत इंपॉर्टेंस है हमारा, मतलब ड्रम ना, खम ड्रम ये लोक ड्रम है, इंग्लिश में लोक ड्रम कहता है, वैसे खम हमारा भाषा में खम, तो खम का जो बहुत इंपॉर्टेंस है गांव में, हर एक पा होता है, पा इंस्टीट्यूशन से हमारा बांचों का जो गांव चलता है, तो पा जो बिल्डिंग है उसी में ही खम को रखता है, और मेन विलेज का चीफ है उसका घर में एक रखता है, तो खम जहाँ तहाँ रखता है, तो खम का इंपॉर्टेंस जो है हमारा समाज में बहुत है। तो आज 1985 में वांचो कल्चर सोसाइटी का एस्टेब्लिशमेंट के बाद में पहला दिन है जहाँ में हम WCS जो है खम का इंस्टॉल कर रहे हैं, तो वो दिनों के बाद ये खम का इंस्टॉलेशन है जो हिस्टोरिक दिन है WCS के लिए, और साथ में हमारा वांचो कल्चर को प्रमोट करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए हमारा जो है योगदान है, हमारा एक कोशिश रहेगा WCS में। आज जो खम जो लाया है वो साइज में छोटा है जरूर, लेकिन इसका जो उनका जो वैल्यू जो है वो वही है जो बड़ा खम का वैल्यू है, इसलिए हम उम्मीद करता है कि हमारा वांचो समाज जो है आज का दिन से एक लेसन लेगा, एक सीखेगा कि हमारे कल्चर को कैसे प्रमोट करना है, और आने वाले दिनों में इससे अच्छा काम जो है वांचो कल्चर को प्रमोट करने के लिए करते रहे।